आज की रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में पनीर खुश रंग की। हम बनाएंगे पनीर खुश रंग जो कि व्हाइट ग्रेवी बनाते हो, काफ़ी टेस्टी और काफ़ी अच्छा लगता है। और व्हाइट ग्रेवी की आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, चेक कर लेना। और रेड येलो कैप्सिकम और आप लोगों को गुलाब जामुन की लिंक मिल जाएगी, जाकर चेक कर लेना। बहुत गजब की गुलाब जामुन की रेसिपी डाली, और ये है हमारी व्हाइट ग्रेवी। और हमने ऑयल लिया इसमें करीब करीब 40 ग्राम। ये देखिए, गार्लिक 1 टी स्पून, रेड येलो कैप्सिकम करीब हमने लिए हैं 40 ग्राम, तीनों मिक्स 40 से 45 ग्राम हैं। और जूलियन कटे हुए लंबे लंबे रेड येलो कैप्सिकम, ये देखिए जैसे सौते हो गए। तो हमने नमक डाला 1/4 टी स्पून, हल्दी टच जरा सी, किचन किंग मसाला 1/4 टी स्पून, 1/4 टी स्पून इसमें धनिया पाउडर, गरम मसाला 1/4 टी स्पून, जरा सी टच रेड चिल्ली पाउडर और कश्मीरी मिर्ची टच करा है बोले तो चुटकी चुटकी। ये देखिए थोड़ा सा पानी डाला, इसको पका लेंगे अच्छे से। ये देखिए पनीर खुश रंग, इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं पनीर खुश रंग। ये देखिए, और ग्रेवी ग्रेवी इसमें हमने डाली 200 ग्राम व्हाइट ग्रेवी की, आप लिंक दे देंगे, जाके चेक कर लीजिएगा। ये जो कि हमने व्हाइट ग्रेवी डाल रखी है तो इसकी आप लोगों लिंक मिल जाएगी 5 प्रकार की ग्रेवी में, तो आप जाकर चेक कर लीजिएगा। और इसको इस तरीके से पका लेंगे। और आप लोग बता रहे थे कि मैंने गुलाब जामुन डाला है, उसकी लिंक दे दूँगा, देख लेना, बहुत गजब का है। मावा बनाकर गुलाब जामुन बनाना और मावा कैसे तैयार करना है गुलाब जामुन का, वो अलग अलग होता है। बर्फ़ी का मावा अलग होता है, गुलाब जामुन का मावा अलग होता है। और हमने शक्कर डाली, शक्कर डाली इसमें हमने 1 टी स्पून। तो आप लोगों बताया कि बर्फ़ी का मावा अलग होता है, वो गुलाब जामुन का अलग होता है। तो गुलाब जामुन का मावा कैसे तैयार करें वो भी बताया। और ये डाला हमने इलायची पाउडर 1/4 टी स्पून, और ये दूध मसाला डालेंगे 1/4 टी स्पून। और ये जो हमारी टोटल डिश तैयार होगी, ये होगी 350 ग्राम। तो आप लोगों उसमें आप लोगों बताया कि लिंक दे दूंगा गुलाब जामुन की, जाकर चेक कर लेना। बेसन की बर्फ़ी बहुत गजब की डाली है, तो आप लोग जाकर चेक कर लीजिएगा। और एक क्रीम, क्रीम डालेंगे हम इसमें 2 टेबल स्पून, करीब करीब 40 ग्राम। ये देखिए, और काफ़ी टेस्टी लगता है, बहुत ही हटके रेसिपी है ये। और ये हमने डाला पनीर, पनीर डाला करीब करीब हमने इसमें 150 ग्राम। ये देखिए, और इसको इस तरीके से फिंगर साइज में काट लिया, तो थोड़ी देर पकाएंगे और हमारी डिश रेडी हो गई है। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं, और काफ़ी आइटम की आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर चेक कर लेना। बहुत ही गजब की गुलाब जामुन की रेसिपी तो बहुत गजब की है कि आप मावा घर पर बनाकर गुलाब जामुन बना सकते हैं। तो चलिए, हमारी रेडी है डिश, और इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं पनीर खुश रंग। हमने ऊपर से रेड येलो कैप्सिकम जो हल्का हल्का पतला पतला काट कर डाला और पनीर ग्रेट करा, तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं पनीर खुश रंग। तो हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और आप लोगों को बताया कि लिंक दे दूंगा सेव भाजी की 5 प्रकार की ग्रेवी, चॉप मसाला, येलो ग्रेवी, पंजाबी मखनी ग्रेवी, पंजाबी ग्रेवी, सारी ग्रेवी अलग अलग हैं ये जो आप लोगों को बता रहा हूँ, इनकी सबकी लिंक मिल जाएगी। और गुलाब जामुन की, बेसन की, बर्फ़ी, अचार, तो जाकर चेक कर लेना, बहुत ही गजब की है। और रेसिपी आने वाली हैं, तो आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।